बहुत अच्छा तावन कर देने बच्ची ने सही चेक किया दवाई सही दी ने के आधे नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि इसको खून की कमी है तो मेडिसिन लिख के दी है ली है। ट्रीटमेंट भी ठीक दे रहे ने चेकअप भी सही कर रहे ने बिल्कुल जड़ी अच्छे मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर वड़े जड़े ना वो जड़ी दवाई लिख के देने ना जिस तरह अच्छी क्वालिटी दी लिख के देने उस तरह ही हाइपोटेंसी वाली दवाइयां और बेहतरीन अच्छी दवाइयां दे रहे हैं। दिल यही करता है भी इस तरह के कैंप लगते रहन ताकि गरीब आवाम जड़ी इस तो फायदा उठाती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद सईद और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन के एक नवाही गांव के अंदर मौजूद हैं, कदर शरीफ। ये फालिया से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर दूरी पर वाक़िया है और इस गाँव के अंदर आज एक खिदमत खलक से सरशार काम जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान पब्लिक केयर ट्रस्ट और आस वेलफेयर सोसाइटी के बाहमी इश्तराक में जो है फ्री मेडिकल एंड आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें बेशुमार शोबे कायम किए गए हैं। सारे फहरिस्त हैं उन शोबों के अंदर कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये सारा कुछ आपको अभी लेकर चलते हैं और दिखाते भी हैं। और तमाम जितने भी शोबे हैं उसके अंदर मेडिकल टेस्ट भी सारे किए जा रहे हैं और साथ में फ्री मेडिसिन भी दी जा रही है। तो नाज़रीन, यहाँ के लोगों से पूछते हैं इनके जज्बात क्या हैं, एहसासात क्या हैं और कैसा वो महसूस कर रहे हैं अपने गांव में अपने घर में जो है इस मेडिकल कैंप के लगने के बाद। आइए मेरे साथ। जी, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, की नाम थोड़ा? परवीन। अच्छा, की मसला सी थानू? आ जोड़ा दर्द ने गोडिया नो आ गीटिया नो गुआर कानो मोड़िया नो ये सारी दर्द ने एना ने इथे ठीक हो गया। ते तुसी दवाई वगैरह ले ली डॉक्टर ने दिखा लिया? जी हां ले ली। ते की कहंदे ने डॉक्टर? आ दवाई दे दी ना। इनको जो है वो 15 दिन की दवाई जो है वो दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम थोड़ा? बशीर अहमद। बशीर साहब, की मसला है, की होया? अखां दा कोई खराबी बन गई। अखां दी खराबी है? अच्छा, ते अखां दा किन्ने अरसे तो मसला थोड़ा? 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा, बड़ा इलाज कराया, कोई ठीक नहीं आंदी पई। ठीक हो गया जी। चलो अल्लाह ताला इस कैंप दे वसीले नाल तवस्सुद नाल तुहाडा मसला हल हो जाए। जी जी। ते अच्छा लग रहा है इस जगह तो अच्छे इंतजाम ने, बेहतरीन इंतजाम ने जी। जी नाज़रीन, फाउंटेन हाउस लाहौर एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जहनी दिमागी और नफसियाती अमराज में मुबतला अफराद का जो है वो मुकम्मल इलाज मुआवजा किया जाता है और इसी की कड़ी जो है ना वो मेडिकल कैंप के अंदर भी ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। और इस वक्त डॉक्टर शेर मोहम्मद राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसा, माशाल्लाह एक मुबारकबाद आपको दूंगा कि आप यकीनी तौर पर आपकी जो खिदमत है वो काबिल सताइश है, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर अजीम अता फरमाए। आप हर कैंप में मौजूद होते हैं और बड़ी जाफिशानी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सर, सुबह से लेकर अब तक कितने मरीज आप देख चुके हैं और इस कैंप में आकर आपको कैसा लगा? डॉक्टर शेर मोहम्मद राणा जी, सीनियर मेडिकल अफसर फाउंटेन हाउस रघोदा से आया हूँ जी। मेरे साथ चीफ साइकोलॉजिस्ट और डिस्पेंसरी, यहाँ पे हम असाबी और नफसियाती मरीजों को देख रहे हैं। अब तक कोई हम 30-35 मरीजों को देख चुके हैं जिनमें ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं और इसके साथ साथ जो है इंसामनिया, नींद का प्रॉब्लम है, सोमेटिक कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं और इंशाल्लाह इनको यहाँ पे इनकी साइकोथेरेपी भी हो रही है और साथ साथ मेडिसिन भी दी जा रही है। मैं इंतजामिया का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है और हर किस्म की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कई कैंपों में काम किया है लेकिन इस कैंप को देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। दूसरा शोबा यहाँ पर जो कायम है, यहाँ पर जनरल मेडिसिन का और जनरल फिजिशियन डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब माशाल्लाह कैसा चल रहा है कैम? अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं नासिर भाई के तआवुन से। नासिर भाई का ये बनाया हुआ पौधा है जो पनप रहा है माशाल्लाह, और माशाल्लाह ये उन्होंने मसलन जज्बा पैदा किया है सब लोगों में। अब हमारा ये मेरा ख्याल है हर हफ्ते या 15 दिन बाद हम कैंप कर रहे हैं लाहौर से आके। जी जी। सिर्फ नासिर वास की मेहनत की वजह से है। नासिर, इंतजाम कैसे हैं डॉक्टर साहब? इंतजाम बहुत अच्छे हैं, पेशेंट अब सलीके से तरीके से चेक किए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से सारा कुछ हो रहा है।
जी यहाँ पर डॉक्टर यूनस साहब जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मुआयना कर रहे हैं बच्चों का, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है इस कैंप के अंदर आपको आके? आप माशाल्लाह दूसरी दफ़ा इस कैंप के अंदर आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो है वो यंग लड़के भी हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा अभी बच्चों में तो मोस्टली बच्चों में एनीमिया है जो है, यानी कि खून की कमी है, यानी कि बेसिक जो उनकी वो न्यूट्रिशन है वो नहीं है सही, या तो वालदेन तवज्जो नहीं दे रहे या फिर यहाँ पर कोई इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो शोबा कायम किया गया है अमराज़ हड्डी जोड़ और असाब के हवाले से डॉक्टर अबू बकर साहब जो हैं वो मुआयना कर रहे हैं मरीज़ों का, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र। कैसा चल रहा है कैंप और कितने मरीज़ अब तक आप देख चुके हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और अभी तक तो तकरीबन 15-20 पेशेंट तो देख ही चुके होंगे। ज़्यादातर इनको कंप्लेन रहता है जोड़ों के हवाले से कि मोस्टली इनको है दर्द वगैरह होती है, दर्दें ज़्यादा हैं जी, और इसका रेशो ख्वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है? मर्दों में, या अगर देखा जाए तो दोनों में सेम है, मर्दों और ख्वातीन दोनों में सेम है जी। ठीक हो गया। और बच्चों में भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम? बच्चों में अभी तक मेरे पास ये बच्ची आई, इससे पहले एक और आई थी जिनका मसला था, लेकिन मर्दों और ख्वातीन मतलब बड़ों के लिहाज से छोटों बच्चियों में या मतलब छोटों में कम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही दूसरी नशिस्त के ऊपर डॉक्टर सैयद अकील नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अगर आप अपना चेहरा मुबारक इधर करें तो हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ये डेली ताकत का कैप्सूल निकलने ये दवाई तुसी उठो ले लो तो गुड से जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह कैसा कैंप चल रहा है, कैंप के बारे में बताइए और कितने मरीजों को जो है अब तक आप देख चुके हैं? तकरीबन मोर देन 100 पेशेंट देख चुके हैं जी, और ज्यादा मैदा के मरीज हैं और उनमें बेसिक वजह यह है कि उनकी डाइट ठीक नहीं है और डेली रूटीन ठीक नहीं है। जी यहाँ पर जो शोबा कायम किया गया है अमराज़े आँख चश्म का, और यहाँ पर जो है मरीजों का आँखों का मुआयना किया जा रहा है, और ये मुआयना डॉक्टर इकरा मजीद कर रही हैं और समैरा दामन भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर सहीरा सरवर साहिबा भी। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने मरीज़ अब तक देख चुके हैं जी आप? काफ़ी हो गए हैं, अबाउट 50+ हो गए हैं। 50+ हो गए हैं। तो कोई कैटरक की पोजीशन क्या है यहाँ पे? कैटरक की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा है। और तो ये 50 पेशेंट में से कितने मरीज़ निकले हैं? काफ़ी 15-20 तो हो ही गए। 15-20 50 में से निकले हैं जी, काफ़ी हो गए पेशेंट, मोतिया काफ़ी है यहाँ पे। और नज़र की मजमू तौर पर सूरत हाल क्या है? नज़दीक की नज़र में ज़्यादा मसला, दूर की यहाँ के लोगों की तकरीबन ठीक है, लेकिन नज़दीक से ज़्यादा मसला और मोतिया ज़्यादा है। कैंप कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है अभी तक, ठीक चल रहा है। हाँ जी यहाँ पर जो है मेडिकल टेस्ट लैब जो है वो यहाँ पर कायम की गई है, और इस शोबे के अंदर शुगर, कोलेस्ट्रोल, हेपेटाइटिस बी सी, यूरिक एसिड, और फिर बिलखसूस लोगों का जो है ब्लड ग्रुप जो है ना उसको यहाँ पर देखा टेस्ट किया जाता है। तो उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे आला करम ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, कितने पेशेंट्स का जो है ना वो टेस्ट आप कर चुके हैं और कौन से ज्यादा टेस्ट हुए हैं? अभी रूटीन में शुगर, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल में हो रहे हैं, और पेशेंट एवरेज अभी थोड़ी कम आ रही है लेकिन अभी बढ़ रही है। जी नाज़रीन, जितने भी शोबा जात यहाँ पर कायम किए गए हैं और तमाम डॉक्टर्स जो अद्वियात प्रेस्क्राइब करते हैं उसका मुकम्मल शोबा फार्मेसी की सूरत में यहाँ पर कायम किया गया है, और ये एक लंबी लाइन लोगों की, ख़वातीन की बिलखसूस यहाँ पर तादाद ज़्यादा है, मेडिसिन का शोबा है, और यहाँ पर अद्वियात जो है वो बिल्कुल मुफ्त जो है ना फ्राहम की जाती हैं, फ्री हैं, यहाँ पर हर किस्म की अद्वियात हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ये ड्रॉप्स हैं आँखों के हवाले से मुकम्मल, बहुत महंगे ड्रॉप्स होते हैं लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ये एनके हैं, एनके भी बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दी जा रही हैं, और ये सारा शोबा इसलिए कायम किया जाता है ताकि कैंप के जो असल समरात हैं वो आम आदमी तक, आम लोगों तक जो है ना वो पहुँच जाएँ, और ऐसा नहीं है कि ये कोई लोकल मेडिसिन जो है ना, बहुत कम ऐसे कैंप्स होते हैं जहाँ पर जो है वो मेडिसिन जो है ना वो इस तरह इस लेवल की जो है ना दी जाती है। ये बहुत एक खूबसूरत तरीक़ाकार है जिसके अंदर मेडिसिन जो है वो एक अच्छे लेवल की जो है वो मेडिसिन दी जाती है, जिस आस वेलफेयर सोसाइटी
कदर की जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के जो नुमाइंदा हैं इस वक्त हमाद तारर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन सब से हम बात करते हैं, और जो इंतजाम हैं यकीनी तौर पर सबसे हमने बात की आम आवाम से जो यहाँ पर आई पब्लिक, उससे भी बात हुई, वो भी बड़े मुतमिन हैं, और डॉक्टर हजरात से भी सबसे बात हुई, सभी बड़े मुतमिन हैं। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब अंसर साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंसर साहब, बहुत पहले तो मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आपसे अजीम काम लिया है खिदमत का। सर, सबसे पहले अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र एहसान कि जिसने हमसे काम लिया, हमें इतनी इज्जतों से नवाजा। पाकिस्तान एयर ट्रस्ट का, आप तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि आपके तावन से, आपके तवस्त से दुनिया ये देख रही है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, रुकेगा नहीं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हाफिज़ साकिब साहब के साथ जो है ना, वो हमारी मैनेजमेंट के जो टीम है उन सब का रबता था, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो इन्होंने किया। हाफिज़ साहब, आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तो अब क्या आपके एहसास हैं, आपने इतना अच्छा काम कर दिया है, दिल में क्या जो है ना खुशियाँ महसूस कर रहे हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी इफ्तिकार साहब, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का, नासिर अब्बास तारर साहब का शुक्रिया, इसके अलावा अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी एक कॉल पे अपना मेडिकल कैंप जो है वो यहाँ पे लगवाया, अपनी टीम को यहाँ पे भिजवाया। तो उसके अलावा मैं तमाम डोनर हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें हमारे जैगम भाई हैं जलालका फैमिली से, आफ्ताब गोंदल साहब हैं दिल्लोआना फैमिली से, भाई फरासतुल्ला दिल्लोआना, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया, ख़ास तौर पर मोहम्मद जमान गोंदल साहब का जिन्होंने इसमें हमारे साथ तावन किया। और मेरे ख्याल हमारे गांव में तकरीबन जितने भी आबाब हैं सब ने ही तावन किया है, और सब की कोशिश थी कि इस कैंप को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे कि आपके नॉलेज में ही होगा कि यहाँ पे एक और सोसाइटी कद्दर वेलफेयर के नाम से भी काम कर रही है, तो माशाल्लाह वो भी हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब गाँव में सफाई का सिस्टम उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो हम भी उनके साथ जहाँ पे वो हमें कहते हैं वो तावन के लिए हम उनके साथ होते हैं। ये तो कमाल हो गया ना कि उन्होंने सफाई का सिस्टम शुरू किया हुआ और आपने लोगों को बीमारियों से बचाने का सिस्टम शुरू कर दिया। कमाल हो गया जनाब, ये मिल बांट के आप जो काम करेंगे तो आपके लोगों की बेहतरीन अंदाज से खिदमत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समय टारगेट ही यही है। देखना, सबसे पहले हमने फोकस किया था सेहत पर, सेहत के लिए हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप पहले भी अरेंज करवाए हैं, आज माशाल्लाह एक फिर कैंप अरेंज करवा लिए हैं। तो इसके अलावा जो है हम साफ पानी जो है ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह 2 RO प्लांट जो है वो हम लगवा चुके हैं। क्या बात। तो 1 RO प्लांट का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फ्राइडे को वो भी उसकी ओपनिंग हो रही है। इसके अलावा टारगेट हमारा जो है ना वो 3rd RO प्लांट भी इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है हम वो शुरू करवा रहे हैं। यानी पानी अगर साफ हो गया तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही जो है ना जान छूट जाएगा, और खास तौर पे हेपेटाइटिस बी सी से। बिल्कुल जी। एक और हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये आज के कैंप के हवाले से इनका क्या कहना है और क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? सिकंदर हयात। सिकंदर हयात साहब, सर कहाँ के, इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा जी, आज इस कैंप के अंदर आपके, आपको कैसा लगा, और ये जो काविश है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी कैंप पर चाहे बहुत अच्छा कैंप लगा, मुतमईन जे मुतमईना सी बिल्कुल इसते, और दिल यही करता है भी इस तरह के कैंप लगते रहन ताकि गरीब आवाम जड़ी इस तो फायदा उठाती रहे। ठीक हो गया। ते जी ट्रीटमेंट भी ठीक दे रहे ने, चेकअप भी सही कर रहे ने, कोई इस किस्म का मसला नहीं बनता भी है फलानी चीज़ या कोई भी चेकअप कराने, बेहतरीन चेकअप हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल जड़ी अच्छे मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर वड्डे जड़े ना वो जड़ी दवाई लिख के देने ना जिस तरह अच्छी क्वालिटी दी लिख के देने, उस तरह ही हाइपोटेंसी वाली दवाइयां और बेहतरीन अच्छी दवाइयां दे रहे हैं। अच्छी है। अखां दी है। अच्छा जी। ते बाकी कान दी, कोई मेदे दी। अच्छा मेदे दी विचों से चेक करा। मेदे दी। जा। जी बेहतर होना चाहिए, और अल्लाह करे इन्हां दी ये काविश और इन्हां दी ये मेहनत ये बरकरार रहे, अल्लाह करे इन्हां दा ये निज़ाम चलता रहे, हर बंदा इस तो फायदा उठाता रहे। एक बच्ची यहाँ पर मौजूद है, इसकी वालदा भी साथ हैं, तो पूछते हैं इनसे क्या मसला है और किस मर्ज के लिए बच्ची को लेके आए थे और इसका ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट किया डॉक्टर ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा तावन कर देने पे बच्ची ने सही चेक किया, दवाई सही दी ने कि आधे ने इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अच्छा किन्ने अरसे तो मसला बच्ची ने? ये हो गया देखो 6-7 साल दी होगी।
जी। यहाँ पर एक और बच्चा मौजूद है अपने अपनी वालदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, की ये मसला है बच्चे नु? बच्चे दा एक्सीडेंट होया से ना आज, तो दिखाओ जरा की। अच्छा, 2 साल पहले ते इस दे गड्डी दे ना सड़क ते चलदे खेलदा पिया सी, तो गाड़ी जो है उसके ऊपर से गुजर गई, फिर हम इसको ले गए थे गुजरात। अच्छा। तो वहाँ पे इसका ऑपरेशन हुआ था, जो गुर्दे के साथ नल जाती है ना उसके बंद लगा जी, तो अब जब भी चलता फिरता है वैसे गिर जाता है। तो इसे अब डॉक्टर ने बोला कि इसको खून की कमी है, तो मेडिसिन लिख के दी है, ली है। हाँ। अभी आपने मेडिसिन अभी आप ले रहे हैं जी? तो ठीक है, अच्छा सही कैंप लगा हुआ है जी, बहुत अच्छा है, अल्लाह उनके अज़े खैर दे। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये बच्चा जो है ये कितना अर्सा पहले ये एक्सीडेंट हुआ था? 2 साल पहले। 2 साल पहले हुआ जी ये एक्सीडेंटल केस हुआ है। बच्चे का जो है वो गाड़ी ऊपर से गुजर गई और बच्चे का जो है वो पेट जो है ना काफ़ी हद तक डैमेज हुआ, और ऑपरेशन करने के बाद जो है ना अभी वो कुछ डेफिशिएंसीज हैं आयरन की, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, और उसके अब ब्लड में HP लेवल भी काफ़ी कम बता रहे हैं, डॉक्टर से भी बात हुई है, तो वो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। यही चीज़ें हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं इन इलाकों में, और लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोगों के पास वसाइल नहीं है बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर उनके डोर स्टेप के ऊपर बड़े हॉस्पिटल से बड़े डॉक्टर्स को लाकर यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है। यकीनी तौर पर नासर अब्बास सारर, उनके रफ़काए कार, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, आस वेलफेयर सोसाइटी, ये सभी लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हमाद तारर हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आप माशाल्लाह जो है वो खिदमत खलक के जज्बे के साथ मुज़य्यिन होकर इस मैदान में कूद पड़े हैं, तो आप अपने आप को समझते हैं कि भई अपने आप को आपने इस खलके खुदा की खिदमत के लिए वक़्फ़ करना है आगे चल के, या अभी से कर दिया जी? हाँ, क्या कहेंगे जी? मैं ऐसा कहूँगा कि मैं आज मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार आया हूँ कि मैं अपने चाचू की जगह ले रहा हूँ जी जी जी। वो इसलिए क्या ना वो बाहर गया, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मुझे काम दिया इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए। हाँ, खिदमत कर रही है लोगों की जी। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अजी मुबशर जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतज़ामिया में आपका बड़ा अहम किरदार है, आज के कैंप को सजाने में संवारने में बहुत ज़्यादा खिदमत की है, अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए जी। क्या कहना चाहेंगे जनाब मुबशर साहब? सर, हम पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जिन्होंने इस काम में हमारा साथ दिया। अपने मेज़बान इफ्तिखार मसीद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।